हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं हूं राहुल, आपका दोस्त, आपका होस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में सिंपली हम लोग कंटिन्यू करते हैं सिबा इनू के बारे में। सिबा इनू के बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि एक्चुअली सिबा इनू का जो है हमारा नेक्स्ट प्राइस क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। दोस्तों, हम लोग अभी और भी इस पर देखेंगे कि सिबा स्विफ्ट जो है वो भी हमारे सामने कब तक आएगा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और दूसरा चीज़ देखते हैं कि अभी ये कम्युनिटी में कहाँ कहाँ ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है ना। तो आई तीन चार टॉपिक्स पर हम लोग अभी देखेंगे कि एक्चुअली सिबा का हमारा जो है नेक्स्ट प्राइस क्या होने जा रहा है, ठीक ना। ओके दोस्तों, तो इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब दिख रहा होगा, आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अभी जो है इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर सिबा इनू को देखते हैं। तो लास्ट टाइम पर जैसे कि मैंने बताया था आपको कि उस पर मैंने बहुत से कमेंट्स भी देखे कि प्राइस ये जाएगा। मैं अभी के सप्लाई के अकॉर्डिंग आपको अभी रेट बता रहा था। मैं क्या बताया यहाँ पर, अभी के सप्लाई के अकॉर्डिंग रेट बता रहा था, बर्निंग की बात नहीं किया था कि भाई इसमें से वो लोग निकालेंगे या बर्न करेंगे तो फिर क्या फीचर होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अभी का जो इसका सप्लाई है फिलहाल उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी इसका कितना सप्लाई है यहाँ पर, नियर अबाउट 4 लाख बिलियन, 4 लाख बिलियन यहाँ पर देखेगा तो इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इसके अकॉर्डिंग अभी का ये रेट चल रहा है। तो मैंने इस पर बताया कि अगर सेम अभी के हिसाब से अगर इसको जाना हो रेट, अगर इसका रेट 0.1 सेंट जाना हो तो दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ पर ये 4 जीरो को हटना होगा तब जा करके ना ये लगभग 1 सेंट जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट कैप, जो कि मार्केट कैप अभी आप इसका चेकआउट करते हो तो ज़्यादा है ना। मार्केट कैप आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये है इसका मार्केट कैप। यहाँ पर भी आते हैं तो यहाँ पर भी आपको इसका मार्केट कैप दिख जाएगा। यहाँ पर तो लगभग 8 बिलियन इसका मार्केट कैप फिलहाल है, 8 बिलियन मार्केट कैप है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि सप्लाई जो भी है, जैसे कि ये सप्लाई है, यहाँ पर 4 लाख बिलियन सप्लाई है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों इसके रेट से, यहाँ पर रेट से जो भी अभी इसका लाइव रेट चल रहा है वो हो जाता है इक्वल टू मार्केट कैप। बात समझ रहे हैं ना, मार्केट कैप के इक्वल हो गया। अब दोस्तों आप यहाँ पर सप्लाई को घटाते हो बर्न करके, सप्लाई घटाओगे, सप्लाई घटाते हैं तो रेट में आपको इजाफा देखने को मिलता है। मार्केट कैप अगर सेम रखना है, मान चलिए मार्केट कैप में ग्रोथ नहीं दिख रहा आपका, बहुत बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था, बहुत सारे लोग का बोल रहे थे, बट वो जो मैं बताया कि भाई मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस रेट से, 4 जीरो हटना है, 4 जीरो को हटाना है तो डेफिनेटली सप्लाई में उतना ज़्यादा आपको घटाना पड़ेगा। तो कुछ टोकन्स को अगर ये बर्न करते हैं यहाँ पर, है ना, अगर कुछ टोकन्स को बर्न करते हैं तो जा करके रेट में यहाँ पर हमें स्पेशली यहाँ पर बढ़ावा देखने को मिलेगा कि हाँ जो सिबा इनू है उसका रेट बढ़ रहा है। बात समझ रहे ना, अगर मार्केट कैप भी कांस्टेंट है तो, अगर सप्लाई उतना ही रहता है और इन्वेस्टर्स ज़्यादा आते हैं, बात को समझिएगा, इन्वेस्टर्स ज़्यादा आते हैं, कैसे इन्वेस्टर्स बहुत सारे तरीके से आ सकते हैं, तो भी रेट बढ़ता है तो डेफिनेटली मार्केट कैप भी बढ़ेगा, मार्केट कैप भी बढ़ेगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि सिबा इनू होगा नेक्स्ट बिटकॉइन, अभी 24वें रैंक पर चल रहा है तो हो सकता है कि 10 रैंक तक आए, 5 रैंक तक आए, है ना। वही दोस्तों आप यहाँ पर डोज क्वाइन क्वाइन से कंपेयर करते हैं तो डोज क्वाइन का देखिए सप्लाई मात्र 129 यहाँ पर बिलियन डोज, 129 बिलियन जो है इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है यहाँ पर डोज क्वाइन को अगर आप देखते हैं स्पेशली, तो ठीक ना, डोज क्वाइन को कितना 129 बिलियन, एक मिनट यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर 129 बिलियन इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग रेट है और ये तब जाकर 4 रैंक पे आया है। बात समझ रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा सप्लाई को और रेट से तो आपका मार्केट कैप जो है वो निकल जाएगा कि कितना अभी मार्केट कैप है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कहने का मतलब था, आपने जो लास्ट टाइम पर बहुत लोगों का डाउट आ रहा था कि कैसे रेट, मैंने जो आपको सिबा इनू यहाँ पर बताया था 4 जीरो फिलहाल बताया था कि अभी क्या पॉसिबिलिटीज है, मैंने वहाँ पर एक टाइटल दिया क्या पॉसिबिलिटीज है कि अभी आपको यहाँ पर सिबा इनू इस रेट पर चला जाए, तो मैं बताया था बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लगभग मतलब इम्पॉसिबल है, मैंने ये बताया था। तो ये बताया था हाँ ये पॉसिबल तब होगा जब यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है इसको कम किया जाए या बहुत ही ज़्यादा इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट जुट जाए तो ये बिटकॉइन को पीछे छोड़ देगा। लेकिन अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई यही रहता है दोस्तों, बर्निंग इसमें अगर नहीं किया जाता है और डेफिनेटली, तो मेरे जैसा कि बताया सप्लाई इंटू रेट इज इक्वल टू मार्केट कैप, है ना, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर बर्न होता है तो ही डेफिनेटली यहाँ पर रेट में ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये कम्युनिटी ड्रिवन भी होता है। कम्युनिटी ड्रिवन का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर सिंपली अगर आप आकर के देखते हैं तो एक्चुअल में देखिए कम्युनिटी ड्रिवन में कितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। देखिए जब मैं लास्ट टाइम पर दो तीन दिन पहले वीडियोज़ बनाया था तो यहाँ पर मात्र 3 लाख फॉलोअर्स थे इसके,
है ना। और होल्डर्स भी हम देंगे कि सिबा कॉइन्स में बहुत ज़्यादा, जैसे दिन पर दिन होल्डर्स बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसको खरीद करके और होल्ड कर रहे हैं। तो एक तो मार्केट में पैसा आ रहा है होल्डर्स के थ्रू। यहाँ पर देखिए, चूंकि ये ऑलरेडी बहुत जगह पर लिस्टिंग हुआ है, जब वो वीडियोज हम लोग बनाए थे तो वहाँ पर वेजीरेक्स में लिस्टिंग नहीं हुआ था। देखिए वेजीरेक्स में भी लिस्टिंग हो गया है ना, और आज देखते हैं तो आज यहाँ पर ला टोकन में भी लिस्टिंग हो गया। तो अब जो यूरोप के लोग हैं वो ला टोकन, चूंकि यूरोपियन एक्सचेंज है, तो अब देखिए यहाँ पर यूरोप के लोग भी इन्वेस्टर्स वहाँ पर जो लोग यूज करते हैं ज़्यादातर ये इसको, तो वहाँ पर अब उनके लिए क्या आसान हो जाएगा यहाँ पर परचेज करना इसमें, ठीक ना, सीबा कॉइन को होल्ड करना। तो यहाँ पर देखिए सीबा इन लिस्टिंग लॉन्चेस ट्रेड नाउ, मतलब ये लगभग आज का 13 तारीख का, कल का लगभग हो गया 20 आवर्स एगो, कल शाम का लगभग हुआ है। तो सिंपल कहने का मतलब है कि इसका जो है हब बढ़ते जा रहा है, पहले बाइनेंस पर आया, यूआई पर आया, क्यू कॉइन पर आया, तो एक वेराइटीज मिल रहा है, ऑप्शंस मिल रहा है लोगों के पास, जैसे जो भी जिस एरिया में है, कोई कोरिया का है, कोई यूनाइटेड स्टेट का है, कोई समझ रहे हैं यूरोप का है, जो जहाँ का भी, कोई इंडिया का है तो इंडिया वाले वेजीरिक्स में ले सकते हैं। तो इनके पास एक वेराइटीज़ का ऑप्शन मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ पर इन्वेस्टर्स ज़्यादा बढ़ेंगे, बात को समझिएगा। तो इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे तो इसका रेट भी बढ़ेगा। तो सिंपल मेरा ये कहने का मतलब है दोस्तों कि सीबा स्वैप जो है, सीबा स्वैप मेरे ख्याल से एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। इस पर मैं एक और वीडियोस बनाऊंगा। अभी देखिए वेजीडेक्स में सबसे सस्ता कॉइन अब जो है, पहले विन था, अब हो गया सीबा, बात समझ रहे ना, इतना सस्ता। आप अपना वेजीडेक्स को ओपन कीजिए, वहां पर पॉइंट के बाद से 2 जीरो के बाद से इंडियन रुपीज में दिखा रहा होगा, यानी 0.001 पैसा, 0.002 पैसा, उसी के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा होगा। तो विन भी है तो वो लगभग 7-8 पैसे अभी चल रहे हैं, 7-8 पैसे, और ये सीबा देखिए तो इतना कम। दूसरा ये इथेरियम ब्लॉक चैन पर है, और विन जो है, जैसे मुझे ट्रॉन ब्लॉक चैन वाले जो है वो सारे सारे के सारे वो थोड़ा सीट कॉइन की तरह, मैं स्टार्टिंग से ही पता ना क्यों मन में बैठा हुआ है, मैं खुद ही, मैं अभी भी, मैं आपसे पहले ही बताया था कि ट्रॉन में नहीं होल्ड किया, क्यों, क्योंकि वो मुझे सीट कॉइन ही लगता था, 1 रुपया 2 रुपया बहुत दिनों तक चला हुआ स्टार्टिंग में। तो वही कहने का मतलब इथेरियम ब्लॉक चैन वाले में ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है ना। और डोज को देखते हैं तो डोज बाइनेंस ब्लॉक चैन पर है और सीबा इथेरियम ब्लॉक चैन पर है ना। दूसरा चीज़ देखिए, तो एक हमारे पास एक पॉजिटिव चीज़ आता है कि सीबा स्वैप जो है स्पेशली है ना, सीबा स्वैप जो दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। जैसे आप यूनिस्वैप का भी आप स्वैपिंग करते हैं, तो इसका देखिए, अभी देखिए यहाँ पर इन्होंने एक डाल रखा है कि सीबा स्वैप इज अंडर अ सिक्योरिटी टेस्ट है ना, ये सिक्योरिटी टेस्ट में, बट बहुत जल्दी ये सेफ लॉन्च करेंगे ताकि फिर लॉन्च हो जाने के बाद से कोई दिक्कत ना हो। तो आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इसका खुद का जो स्वैपिंग है वो आप इसमें सीबा स्वैप में कर सकते हो, तो इससे भी इसके प्राइस में ग्रोथ देखने को हमें मिलेगा, एक और एक इसका पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। दूसरा चीज़ दोस्तों, बर्निंग कैपेबिलिटीज का देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इन्होंने पहला चीज़ की डाला है कि लिक्विडिटी लॉक टू द यूनिस्वैप। दूसरा, ये एक बहुत ज़्यादा अभी मार्केट में चला था, वाइटलिक ब्यूटेरिन, जो कि अभी फिलहाल इंडिया में इन्होंने डोनेट भी किया लगभग 1 बिलियन डॉलर तक का डोनेशन कोविड रिलीफ फंड में डोनेट किया था, हालांकि उसको मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शायद पोस्ट किया था है ना। और भी दूसरा एक यहाँ पर पॉइंट चल रहा था जो कि बहुत लोग कहते हैं, वी हैव लॉक द 50% ऑफ द टोटल सेल्स एंड द 3 वे द क्यूज है ना। इन सब टॉपिक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा चल रहा था कि आधा पैसा तो इनके पास ही है, तो फिर यहाँ पर जब भी चाहे प्राइस को डंप कर देंगे। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि ऐसा नहीं होगा है ना, ये और भी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो गया। और इन्होंने फर्स्ट बर्न टू द वीबी का मतलब दोस्तों वाइटलिक ब्यूटरी, यहाँ बात समझिएगा, सेकंड बर्न टू द वीबी वाइटलिक ब्यूटरी। यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट बर्न को ओपन किया, ये जो आप यहाँ पर आकर के प्रूफ चेकआउट कर सकते हैं, इतने क्वाइंस को, इतने टोकन्स को इन्होंने यहाँ पर जो ट्रांसफर किया है उसका, यहाँ पर टोकन ट्रांसफर किया फर्स्ट का, जिसका वैल्यू दोस्तों लगभग यहाँ पर 1,24,000 डॉलर के इक्वल है, इन्होंने जो फर्स्ट बर्न का है बीबी टोकन्स का, आप इसको आकर चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड बर्न का भी आप यहाँ पर आकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसका रेट जो है लगभग 2,47,000 डॉलर तक का है ना। तो आप यहाँ पर इथर स्कैन में आकर के अगर चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, जिसको मैंने पहले से ही ओपन करके रखा था। दोस्तों मेरा सिंपल यही कहने का मतलब था दैट सीबा इज जस्ट रेडी टू टेक ऑफ। और देखिए डेफिनेटली यहाँ पर बर्निंग जब आएगा जाएगा, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि वो 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये नहीं जाए, जाएगा, बट उसमें कुछ जैसे जैसे चेंजेस आते रहेंगे और जैसे कम्युनिटी ड्रिवन होते जा रहा है, मार्केट कैप भी बढ़ेगा और ये प्रोजेक्ट जो है साथ साथ ही ग्रोथ करेगा। तो मेरे ख्याल से सीबा जो है एक करेक्शन के बाद से, एक ये जो यहाँ पर करेक्शन ले रहा है, इसके बाद अगला मोमेंट जो लेगा वो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं
फिर से जो अपना हाई बनाया था इस हाई को टच करने की कोशिश करेगा। तो अगला मूवमेंट दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्शन लेने के बाद से एक फिर से दोबारा एक नया हाई बनाएगा और इस हाई को मिनिमम टच करने की कोशिश करेगा, है ना, ठीक ना। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप यहाँ पर अभी भी अगर चाहते हैं बाई करना तो इस डिप में स्पेशली इस डिप में बाई कर सकते हो। इस डिप में आप चाहते हैं तो बाई कर सकते हो, इस डिप में बाई कीजिएगा तो आपका मेरे ख्याल से जो है वो यहाँ से आपको एक अच्छा सा रिटर्न मिलेगा। मिनिमम मेरे ख्याल से यहाँ तक भी जाता है ना, तो लगभग आधे पैसे के आसपास, आधे पैसे से तो कम ही, लगभग 0.0034 पैसे तक भी जाता है, 0.003 पैसे तक, 1 पैसे भी चला गया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट हाँ दोस्तों यहाँ तक अच्छा प्रॉफिट आपको निकलेगा। बट आप लंबे समय में होल्ड करते हैं दोस्तों तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से इसका जो मार्केट में हाइप चल रहा है, इसका टाइटल ये है शिबा इनू डोज कॉइन किलर, बात समझ रहे हैं ना, शिबा इनू डोज कॉइन किलर, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्यूचर में कम्युनिटी ड्रिवन होने वाला है। जो मुझे इसका फ्यूचर दिख रहा है वो कम्युनिटी ड्रिवन का ज़्यादा दिख रहा है, मतलब मार्केट में एक बहुत बड़ा हाइप बनेगा आने वाला टाइम में शिबा इनू को लेकर के, और बहुत से लोग यहाँ से करोड़ों रुपये कमाएंगे, ये मेरा जो सोच है और मुझे जो दिख रहा है फ्यूचर इसका। तो डेफिनेटली अगर आप यहां पर चाहते हैं इस डीप में तो यहां पर बाई अभी कर सकते हो, 0.0021 डॉलर के रेट में, इस रेट में अगर चाहते हो तो बाई करके यहां तक प्रॉफिट ले सकते हो। थैंक यू दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।